इंटरव्यू शुरू करें। एकदम से फट गई मुर्गे का भाई आ गया। भाई आ गया। आई मैं उस साद बिलग्रामी हमारे साथ मौजूद है इंडिया की पहली नेटफ्लिक्स सीरीज के अभिनेता जिनका नाम है अनिल चरणजीत। तो अनिल चरणजीत जी क्या नाम है? अनिल चरणजीत यार किसको बुलाते हो यार? नाम का पहले गूगल नहीं किया था क्या? लिखा लिखा अरे अनिल कुछ तो दूसरे कुछ अनिल चरणजीत कास्टिंग ऐसे हुई थी कि मैं अनुराग सर के साथ शूट कर रहा था लिम्का का एड, तो उनको लगा कि ये बहुत मतलब कमाल का मतलब भागता है। दो दिन तीन दिन भगाया भगाया भगाया, उसके बाद लिम्का तो पीने को नहीं मिली। किस ईयर की बात है जब लिम्का? ये है 2017 की बात। अच्छा, तो तब 2017 नहीं 16 की बात, 16 एंडिंग की बात। तो लिम्का की एड शूट करते दो दिन खूब भगाया, बोले मैं तेरे को लिम्का नहीं दूंगा, मैं तेरे को रोल लूंगा अच्छा वाला। अच्छा, तो उन्होंने 2 साल के बाद में क्रिकेट गेम्स के लिए बोला। ये जो गालियां वगैरह फिल्म में देते हैं, दे रहे हैं दमादम दे रहे हैं, वो क्या था? वो बत्ती लगा के एम्बुलेंस वाला करा जरा एक बार हो जाए। बंटी का डायलॉग बोलो। अरे एम्बुलेंस लाए, खटा रहे एम्बुलेंस गाड़ू, कहाँ से लाएगी? पुलिस आएगी तो लाल बत्ती का लौड़े पे लगाएगा। अरे लौड़े पे लगाएगा तो तेरी बहन बोलेंगी, तेरी बहन रात भर सारे बजाएंगी, फिर तू बोलेगा बहन तेरा तो बनता भी है, बोल बहन गाली बजाओ। सही डायलॉग मारा यार। एक गाली लिखते बोले बड़ा चार दो दिन से आती बोल, तो समझ लो 8 साल 9 साल जितने भी साल आप यहाँ पर काम ढूंढ रहे हो, तो उसके फ्रस्ट्रेशन और निकल। तो ये इम्प्रोवाइज ही किया आपने? हाँ, तो ओटीटी सीरीज जो आप कर चुके हैं शायद, तो इसमें और जो आपने कितनी सारी फिल्म्स की हुई हैं, तो क्या डिफरेंस आपको इसमें देखने को मिलता है? डिफरेंस सबसे बड़ा एक स्पीडअप, एक ऑडियंस। सबसे पहले बात है कि इसका ऑडियंस बिल्कुल कम्प्लीटली अलग है। जिस तरीके से सेक्रेट गेम्स को एक फ्रीडम मिला है, हर तरह से वायलेंस हो, चाहे वो न्यूड सीन्स हो, सेक्स सीन्स हो या फिर गालियाँ हो, तो किसी भी तरह से आप क्रिएटिवली बंधे हुए नहीं। तो ये एक अलग ही प्लेटफॉर्म होता है, ये बिल्कुल डिफरेंट प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आप खुल के काम करते हो। एक्टर्स को बहुत फ्रीडम मिलता है, तो ये कमाल की बात है। जो अपना वेब को और सिनेमा को कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म, तो जैसा हमने देखा बंटी और आपकी जो बॉन्डिंग है बड़ी खतरनाक है, कह रहे इसको काम दे दिया, ये तो मादर ऐसा है ही है। तो जो आपके मतलब फिल्म के बाहर भी जब आप सेट पे रहते थे, तो कैसा माहौल रहता था दोनों में? थोड़ा बहुत वो कैरेक्टर में होके लड़ाई झगड़ा होता था? हमारी मतलब मैं बड़ा बजरिया, दानिश और बंटी जतिन सर, तो हम तीनों की बॉन्डिंग बहुत कमाल की रही। तो हम लोग गाली गलौज तो चलती थी ऑफ सेट, मगर वो बड़ी भाईचारे वाली होती है। आपने बहुत मजे किए उनके साथ, अच्छा लगा। अच्छी बात है, लोगों को भी जानना कि आप इतना धाकड़ कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। मजे के मतलब, मजे के मतलब कैसे? मतलब मजे वो गलत मजे नहीं, जिस तरीके से मजा ये बोल रहा है, ये अलग मीनिंग निकल रहा है। ऐसा नहीं, वो वाले मजे नहीं, तो बाद में मिलो, वो वाले नहीं बता रहा हूँ। फ्रेंडली क्यों रहा है? मैं बता रहा हूँ, इंटरव्यू ले रहा तो फ्रेंडली? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर, मतलब मैं बता रहा हूँ। मैंने बोला छूने के लिए? नहीं नहीं, बोले नहीं आपने सर, मैं आपको बस बता रहा था सर, सच में मैं बता रहा था आपको सर। दूसरे बुलाओ, किसी और को बुलाओ। नहीं, नहीं, नहीं करना मेरे को। वो इतना देखते सर, बचपन से देखते। कैसा लगा सर? अच्छा लगा। मैं तो डर के गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि आपके लिए सेक्रेट गेम्स क्या है? मतलब इतना काम किया आपके लिए क्या है, कितना स्पेशल है आपके लिए सेक्रेट गेम्स? मेरे लिए सेक्रेट गेम्स उतना ही स्पेशल है जो मेरी पहली फिल्म थी। और बस यही कहूंगा कि आपको पता नहीं होता कौन सा प्रोजेक्ट किस लेवल पे कहाँ जाने वाला, रिलीज होने के बाद आपको चीजें समझ में। ऑब्वियसली जब ये स्क्रिप्टिंग स्टेज पे था और जब समझ जब पता चला कि विक्रम चंद्रा जी की बुक है सेक्रेट गेम्स के ऊपर एक सीरीज बन रही है और ये स्टार कास्ट है, तो ऑब्वियसली एंड डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवानी, अनुराग कश्यप, तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट था और आपको पता था कि किस लेवल पे जाने वाली। अच्छा, अनुराग सर की बता दीजिए, एक अच्छी और एक बुरी बात। अच्छी और बुरी बात बताइए, मेरे काम करना। अच्छी बात ये है कि एक्टर को बहुत फ्रीडम देते हैं एंड वो और उनका जो सेट पे एक्साइटमेंट है हर एक शॉट को लेके, चिल्लाते हो डांटते हो? नहीं नहीं, डांटना चिल्लाना नहीं है, तो देख के लगता है कि उनको मजा आ रहा है काम करने में, बाद में क्या होने वाला है इज नॉट। ये तो अच्छी बात होगी। बुरी बात आई थिंक स्मोक बहुत करते हैं। अच्छा सर, कोई बिहाइंड द सीन्स कुछ बताइए ऐसा यूनिक जो किसी को ना पता हो, मतलब जो अभी तक किसी ने इंटरव्यू में आपने कहा भी ना हो, प्लीज कुछ यूनिक बताइए। यूनिक एक किस्सा यही हुआ था कि जब नवाज भाई बंटी को मारने आते हैं, बंटी नंगा होता है, उसको खूब पिटाई पड़ती है, उस सीन के दौरान पे मेरा डायलॉग होता है कि भाई देखो पीला है बॉटल, तो सब कुछ सेट हो गया, हम लोग नवाज भाई में अंदर आते हैं और मैं देख रहा हूँ मुझे बॉटल ही नहीं दिख रही है ना उधर से, बिल्कुल बिल्कुल सेट पे साइलेंस है, नवाज भाई वेट कर रहे हैं, मॉनिटर पे अनुराग सर है,
बोलने लगते कि अब बोलेगा और मैं देख रहा हूँ ये बॉटल का है कि अनिल बॉटल सर बॉटल नहीं है तेरे सामने पड़ी है बॉटल सर बॉटल नहीं है और मैं और बिल्कुल गौर से देख रहा हूँ कि बॉटल नहीं है मुझे सर सामने नहीं उसके में चल के आए बोले कि जरा ये सामने पड़ी है बोले बॉटल बॉटल कहाँ है सेट वाले बोलते हो किसी चादर के नीचे जतिन हिला होगा ना तो चादर के नीचे बॉटल चली जब वो उठ के आएंगे तो कैसा लगा उठ के मुझे लगा कि वो नवाज भाई से गन लेंगे और मेरे सिर पे या फिर बैठ लेंगे मेरे को आज पड़ी जतिन और मेरा भी जोक था बोले मंगे बॉटल कहाँ है बॉटल कहाँ है ये लास्ट तक चलता रहा बॉटल अभी तक अभी हम लोग मिलते तब भी यही बात होती बॉटल अनिल बॉटल कहाँ है बॉटल कहाँ है ये कैरेक्टर आपने जो किया तो बड़ा पसंद है लोगों को आने वाले आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं अभी बताइए पसंद आया कि नहीं पता मेरे को पसंद आया वहाँ सब वो बड़े बाल ज्यादा पसंद आता अभी छोटे बाल वो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अपने बता दीजिए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं नमस्ते इंग्लैंड नमस्ते रोज चेटी सर दिसंबर अरे वाह तो ये थे हमारे साथ अनिल चरणजीत फॉर मोर एंटरटेनमेंट एंड इन्फॉर्मेशन प्लीज फॉलो OTT इन्फॉर्मर सर कॉफी पीते हैं नहीं, नहीं, आजा कॉफी पीते हैं चला जा कॉफी पीते हैं यही ठीक है।